चलो लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ तो बताओ उस पर। होमवर्क दिया था क्या? नो मैम। नहीं नहीं, नो मैम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई दोनों का दोनों साथ में देखो। चलो बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, ठीक है। ऐसा जब इक्वेशन आएगा सॉल्व कैसे करना है, चाहे तो x को सेम बना लो, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करके सेम बनाते हैं, चाहे तो x को सेम बना लो, चाहे तो y को सेम बना लो, दोनों में से किसी को भी बना लो। यहाँ पे देखो फाइव है, यहाँ पे है थ्री, ठीक है, यहाँ पे आप सेम बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री से यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइव से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा फिफ्टीन, यहाँ पे आएगा फिफ्टीन, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ठीक है, यहाँ पे देखो फोर है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे अगर इंटू टू कर दे तो यहाँ पे फोर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो फोर है एज इट इज रख दो, यहाँ पे हम जो पूरा का पूरा इक्वेशन है इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू। मैम नहीं समझ में आया। नहीं समझा, देखो यहाँ पे ना x और y को हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें क्या करना है, चाहे तो x को सेम बना लो ताकि वो प्लस माइनस करके हम कैंसिल कर दे, या तो y को सेम बना लो कि हम प्लस माइनस करके डायरेक्टली कैंसिल कर दे। यहाँ पे x को सेम बनाना होगा, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जो दोनों का ऐसा वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 15 15 हो गया सेम वैल्यू। वैसे हमें यहाँ पे सेम बनाना पड़ता है ऐसे इक्वेशन में, तो यहाँ पे देखो अगर x को सेम बनाएंगे तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम y को सेम बनाने जाएंगे, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 कर दूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो रहा है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, तो सबसे पहले हमें सेम बनाना है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो रहा है, दोनों का दोनों 4/4 सेम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को करेंगे, दो को करने से अच्छा हमारा टाइम बचेगा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो एक इक्वेशन सेम कर सकते हैं ना, दोनों करने से दो करते थे ना पहले, एक कर सकते हैं ऐसे, एक कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, वैसे अगर सेम हो रहा है तो कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कोई चांस नहीं है, फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा, अगर एक से करके हो रहा है तो डायरेक्टली करेंगे। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। देखो अभी 4y हो गया, ठीक है, अभी ये सेम बना लिया, अभी क्या करना है, हमें y को कैंसिल करना है, इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को लिख दो यहाँ पे, 6x
प्लस फोर वाई इक्वल्स टू एट, और ये लिख दो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, ठीक है। अभी यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 4y, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों को कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे होता है, जब हम प्लस 4 माइनस 4 लिखेंगे तभी तो जीरो होगा। अगर प्लस 4 प्लस 4 लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस 8 हो जाएगा। माइनस 4 माइनस 4 लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भले यहाँ पे माइनस हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो हो रहा है। तो हमें ये अगर कैंसिल करना है, हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है अभी। तो अगर ये कैंसिल करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस चाहिए, यहाँ पे भी फिर माइनस करना पड़ेगा। अगर साइन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे तो कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी माइनस कर दोगे, सब जगह पे माइनस हो गया। अभी प्लस फोर माइनस फोर डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई हमने क्यों किया था, ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमें एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके, इसीलिए ये दोनों का दोनों कैंसिल किया, समझा। क्योंकि यहाँ पे फोर बाय क्यों किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई टू, क्योंकि फोर ए फोर वाई यहाँ पे आएगा, दोनों को हम माइनस कर देंगे, डायरेक्टली जीरो वैल्यू आएगा और उसकी वजह से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6x, ये वाला साइन देखोगे अभी आप, 6 माइनस 5 कितना होगा, x हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 8 है, ठीक है। 8 माइनस 8 हो जाएगा, ये तो जीरो आ गया वैल्यू, x का वैल्यू जीरो आ गया, 8 माइनस 8 जीरो हो गया, ठीक है। x का वैल्यू जीरो है, x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, जीरो आएगा ऐसा नहीं, कोई भी वैल्यू जो x का होगा वो आएगा। अभी ये जो x का वैल्यू मिला है हमें, हमें y का भी चाहिए ताकि हम डायरेक्टली x और y को कंपेयर कर सके। अभी यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये इक्वेशन या तो ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप ये वाला वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, देखो यहाँ पे देखो 5x plus 4y equals to 8। अभी यहाँ पे x का वैल्यू जीरो आया है, मतलब 5 into 0 equals to 4y plus 4y equals to 8 हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते जीरो से ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4y equals to 8, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y का वैल्यू मिल गया हमें, x का वैल्यू मिल गया, अभी x और y का कंपैरिजन कर सकते हैं। x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 2, दोनों का दोनों प्लस में, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, x इज स्मॉलर देन 1, मतलब y इज ग्रेटर देन x, तो ये होगा हमारा आंसर, समझा। सबसे पहले देखो ये ऐसा इक्वेशन आपको एक ही आएगा, अगर पांच क्वेश्चन होगा ना तो पांच में ऐसा एक ही आने का पॉसिबिलिटी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा टाइम जाता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ऐसा अगर इक्वेशन आएगा आपको क्या करना है, दोनों का वैल्यू चाहे एक्स का बना लो या तो वाई का बना लो, सेम बनाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करके नहीं होता तो हम डायरेक्टली दोनों का यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे 3 से कर देते, तो x का वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाता, फिर हमें y का वैल्यू मिलता। y का वैल्यू मिलने के बाद हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है, मैम लीनियर इक्वेशन जैसा है क्या ये, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग। मैम हाँ बोलो मैम, तू कैसे आया y, टू कैसे आया। देखो ये इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, फाइव इंटू जीरो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ये जो फोर वाई था एज इट इज आएगा, एट था एज इट इज आएगा, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू एट डिवाइडेड बाय फोर, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, मिल गया टू, ठीक है। एट डिवाइडेड बाय फोर किया, माइनस 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 टू नहीं हुआ, कैसे कहाँ पे ये वाला बोल रहे हो, नहीं ना वो x equal to 0 आया ना वो कैसे आ रहा। अच्छा ये देखो y कैंसिल हो गया ना, 6x minus 5x कितना बचेगा, x बचेगा। हाँ मैं वो कैलकुलेशन समझा मुझे, बट माइनस वो कैसे कह लिया आपने वो डायरेक्ट। देखो हमें कैंसिल करना है, अभी अगर हमें कैंसिल करना है y जो हमने सेम बना तो लिया, लेकिन इसे कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों प्लस हैं, दोनों का दोनों साइन है प्लस, प्लस फोर प्लस फोर प्लस एट हो जाएगा, अगर हम ऐड करते हैं
तो हमें अगर कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस वाला वैल्यू चाहिए, तभी तो जीरो आएगा, तभी तो हम बाकी जो बचा है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों रहेगा तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर प्लस है ना तो नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अपोजिट साइन कर देंगे प्लस और माइनस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कर दोगे माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा माइनस एट और यहाँ पे आएगा माइनस फाइव, यहाँ पे तीनों में माइनस देना पड़ेगा। अच्छा, फिर आगे और पीछे का भी साइन चेंज करना पड़ेगा, ऊपर का नहीं करना है, सिर्फ ये इक्वेशन का। मतलब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर माइनस होता ना तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस एक ही इक्वेशन का साइन आप चेंज करोगे, क्योंकि प्लस माइनस करोगे तभी तो जीरो आएगा, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पे करना। और किसी को डाउट है इसमें? मैम वन मिनट, ओके मैम हो गया। मैम ये कल हुआ है, हुआ है, ठीक है। माइनस 13x प्लस 18 हुआ है, देखो एक बार। देख लो। नहीं नहीं। नहीं हुआ? नो मैम। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 18 इक्वल्स टू जीरो। y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y इक्वल्स टू तो इसीलिए वो पासवर्ड और आईडी भी देना।
मैम जो पहले लिख के आपने दिया था वो तो हुआ ही नहीं, हुआ है वो हुआ मैम कल का लास्ट था, वही था हुआ था कल का लास्ट था हुआ था ना। अच्छा हाँ मैम हुआ हुआ अभी आपने पूरा। अच्छा CND मैम CND CND मैम CND मैम X is equal to Y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अच्छा CND ओके वही बने में हां नाम में बुक पर एक्चुअली देखो अगर मॉर्निंग का एक तरह का मिल देखो हमारे सबका CND आ रहा है सीन बैटिंग कर रहे हैं ना तो मंडे ट्यूसडे सपोज फ्रेमिंग चलता है मैम ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई या रहा है ठीक है सीएनडी है मैम सीएनडी एक्स हां एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ठीक है टू को भूले नहीं ना ओ मैम मैम एक मिनट मैंने डिवाइड नहीं मैम अरे करो करो डिवाइड करो माइनस प्लस का क्या होता है प्लस प्लस ठीक है मैम सीएनडी प्लस प्लस टू डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे भी टू डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा 4.5 यहाँ पे होगा टू यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन 12 लेकिन एडिशन 7 क्या आ जाएगा बोलो 4 3 प्लस प्लस आएगा दोनों का दोनों यस 4.5 और 4 में 4.5 पड़ा है इन दोनों में भी 4.5 पड़ा है 2 और 4 में 4 बड़ा है 2 और 3 में 3 बड़ा है दोनों साइन आ गया सीएनडी सीएनडी सही है। मैम बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है बैकग्राउंड में चलो हो गया ना मैम लेकिन मुझे एक बार बताना x square minus 3 equals to 2x y square plus 5y plus 6 equals to 0 चलो बताओ x is greater than y greater than y ठीक है और बताओ और किसी का आया x is greater than y greater than y ठीक है मैम x is greater than y ओके बाकी सब भी बताओ ना 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 मैथ्स में ऐसा नहीं होता है
यस मैम x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन y मेरा ग्रेटर देन इक्वल आ रहा मैम यस मैम x ग्रेटर देन y x ग्रेटर देन y मैम x ग्रेटर देन y ठीक है चलो यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 अभी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 3 चाहिए लेकिन माइनस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए क्या आएगा 3 into 1 3 होता है 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा माइनस माइनस का क्या होता है प्लस माइनस 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 का प्लस माइनस यहाँ पे एडिशन 5 होना चाहिए 3 2 आएगा प्लस प्लस का माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 बड़ा होगा प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 बड़ा होगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 बड़ा होगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 बड़ा होगा तो x इज ग्रेटर देन y होगा आंसर सही है x इज ग्रेटर देन y इसमें प्लस माइनस है और दूसरे में माइनस माइनस तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं क्या नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों प्लस नहीं है ना यहाँ पे माइनस भी है यहाँ पे प्लस भी है तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाई भी आ सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आ सकता है लेस देन भी आ सकता है या तो सी एंड डी भी आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे प्लस माइनस अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो डायरेक्ट कर सकते माइनस भी है वहां पे ठीक है डायरेक्ट मत बोलो तो मैम वो डायरेक्ट वाला कौन सा साइन है डायरेक्ट वाला नहीं वैसा डायरेक्ट वाला नहीं मैंने माइनस माइनस वाला बताया था जब माइनस माइनस दिखेगा तो आंसर डायरेक्टली लिखना आपको सेम है ठीक है जब माइनस माइनस होगा तब मतलब दोनों हाँ दोनों में यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है वो बोल रही है यहाँ पे माइनस है तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है डायरेक्टली सी एंड डी लिख दे चलो नेक्स्ट है 4 / √x प्लस 6 / √x इक्वल्स टू y√x और नेक्स्ट है y² + √256 इक्वल्स टू √625 सीएनडी मैम सीएनडी आ रहा है किसका आया उपासना आपका आया सीएनडी यस मैम वेरी गुड उपासना सही है वेरी गुड और किसी का आया सीएनडी है क्योंकि कंपेयर ही नहीं कर सकते नहीं कर सकते अच्छा कंपेयर क्यों नहीं कर सकते कंपेयर कर सकते वैल्यू तो आएगा हमारा के बाद गलत नहीं हो रहा है मैम सीएनडी आ रहा है हाँ क्योंकि दोनों देखो दोनों का वैल्यू आएगा फिर हम कंपेयर करेंगे ना दोनों का वैल्यू आएगा यहाँ पर x का भी वैल्यू आएगा वाई का भी वैल्यू वेरी गुड अक्षय सही है और किसी का आया सीएनडी मैम वेरी गुड कोमल
देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, अगर ये सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जब नीचे का वैल्यू कभी भी सेम होगा ना तो हम एक ही टाइम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट एक्स एक बार लिख देंगे, ऊपर क्या आएगा, बीच में इनटू होता तो भी कॉमन आता क्या, नहीं इनटू होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, तब कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन कब आता, जब बीच में प्लस हो, ठीक है। फोर प्लस सिक्स हो जाएगा ऊपर, फोर प्लस सिक्स इक्वल्स टू क्या होगा, फाइव अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे फोर प्लस सिक्स कितना होगा, टेन होगा, टेन डिवाइडेड बाय रूट एक्स इक्वल्स टू फाइव रूट एक्स, ठीक है। अभी ये जो रूट एक्स है, ये जो रूट एक्स है यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये जो फाइव है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब टेन है, ये जो फाइव है यहाँ पे है तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फाइव, और ये जो रूट एक्स एज इट इज रहेगा, और ये जो रूट एक्स है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइव इंटू टू होगा टेन, तो वैल्यू यहाँ पे टू आया। किसका वैल्यू आया, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स कभी भी आता है ना तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू टू, एक्स का वैल्यू कितना आया, टू आया, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स जब भी मल्टीप्लाई करोगे एड करोगे तो क्या होगा, टू रूट एक्स होगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डायरेक्टली एक्स लिख सकते हो, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तब ही डायरेक्टली एक्स आएगा, एड करोगे तो टू टू रूट एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्स का वैल्यू टू, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 256 किसका स्क्वायर है बताओ, 16 का, 16 का है, 16 इक्वल्स टू 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 25, ये माइनस हो जाएगा, कितना बाकी होगा, 9, 9, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 3 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3, भूलना मत कभी भी, प्लस होगा और माइनस होगा दोनों वैल्यू आएगा, सिर्फ 3 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे प्लस 3 आया तो प्लस 3 बड़ा होगा, यहाँ पे 2 है लेकिन प्लस 2 है, यहाँ पे है माइनस 3 तो प्लस 2 बड़ा होगा, तो जैसे ही ये दोनों साइन आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ये डायरेक्टली आ जाएगा सी एंड डी। किसी को डाउट है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन बताइए ना मैम। देखो जब भी ना रूट एक्स और रूट एक्स आएगा ना, अभी मैंने बताया देखो अंडर रूट फोर है, ठीक है, तो अंडर रूट फोर का वैल्यू क्या आता है, टू आता है, अंडर रूट टू वैल्यू का मतलब ये रूट बाहर निकालते हैं हम यहाँ पे, तो जब भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे ना तो इनका जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रूट है हट जाएगा, ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या बचेगा, अंदर एक्स बचेगा, ठीक है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे टू इंटू टू है तो यहाँ पे फोर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू बाहर निकल के क्या आता है, टू आता है, मतलब रूट टू इंटू रूट टू करोगे तो भी आंसर टू ही आएगा, समझा। और किसी को डाउट है, लास्ट में कंपेयर टू और प्लस थ्री, टू और माइनस थ्री करना था ना, हाँ टू से दोनों को करोगे, प्लस थ्री से भी करोगे, माइनस थ्री से भी करोगे। ओके थैंक यू। मैम अगर हम यहाँ पे 1 बाय रूट एक्स कॉमन लेते फिर भी हो जाता ना 1 बाय, हाँ मतलब इनडायरेक्टली वो ही हो गया ना, 1 बाय रूट एक्स आप कॉमन लोगे, ऊपर क्या करोगे, एडिशन तो करना पड़ेगा वैसे भी, हाँ एडिशन जाके इनटू हो जाएगा, वो ही। हो गया, लिख के रख कर दूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 8x - 16 = 0, 3y² - 19y + 28 = 0. यहाँ पे 3 है. सी एन डी आया. यस मैम. सी एन डी सही है. सही. वेरी गुड. वेरी गुड उपासना. वेरी गुड अक्षय. सही है. बाकी सब बताओ. CND सही है. 16 × 3 = 48 होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन -8 होना चाहिए. CND सही है. यहाँ पे 28 और 3 भी लोगे आप. दोनों लोगे और दोनों का एडिशन होना चाहिए 19. वेरी गुड रम्या. सही है. यस मैम. CND है. वेरी गुड. वेरी गुड डिंपल. (16 × 3) = 48 हो गया. मल्टीप्लीकेशन 48, लेकिन माइनस करोगे तो 8 होना चाहिए. क्या आएगा? 12 and 4. सही है. 12 and 4 सही है. माइनस करोगे तो देखो 8 आ रहा है और ये जो 3 है डिवाइड हो जाएगा. माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस माइनस. यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 1.33. सही है. ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 28. मतलब 7 × 4 होगा 28 × 3. यही होगा. इन दोनों का फैक्टर्स निकालना है. क्या आएगा यहाँ पे? 12 और 9 आ जाएगा. 12 और 7 आ जाएगा. दोनों का एडिशन हो जाएगा. ठीक है. 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3. और माइनस प्लस का क्या होगा? प्लस होगा. सही. यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा +2.33. +4 सेम है. +4 + 2.33 में +4 ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है. माइनस से प्लस 4 ज्यादा है. तो ये दोनों का दोनों साइन आ गया. मतलब हमारा आंसर होगा सेम. ठीक है. जब भी बड़ा वैल्यू होगा ना, तो आप क्या करो, इन दो इसका भी फैक्टर्स अलग से निकाल लो और फिर कैलकुलेट करो. ठीक है. बड़ा वैल्यू लोगे तो उसको फिर से डिवाइड करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी कभी बड़ा वैल्यू होता है तो आप क्या करोगे, 2-3 फैक्टर्स निकालोगे, सब मिक्स करोगे और मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको वहां पे. क्या मैम आपने क्या बोला? देखो यहाँ पे अगर बड़ा नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे देखो 28 है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 7 × 4 लिखा है. तो वैसे आपको 2-3 फैक्टर्स पहले से ही लिख लो, ताकि फिर से डिवाइड करने का जरूरत ना पड़े. तो और ये जो 3 है, यहाँ उसका क्या यूज होगा फिर? क्योंकि देखो अगर बड़ा नंबर है, ठीक है, बड़े नंबर का टेबल हमें आता नहीं है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि एडिशन क्या होना चाहिए. या तो माइनस करेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा. जब बहुत बड़ा नंबर आएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे तो ज्यादा बड़ा नहीं आएगा,
यहाँ पे अगर ज्यादा बड़ा नंबर आया है तो आप क्या करोगे, दो तीन वैल्यूज निकालोगे उसका और ये भी वहां पे लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन करके, और फिर से देखना पड़ेगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन मतलब चार वैल्यूज है। यहाँ पे देखो तीन वैल्यूज था तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे देखो 4 × 3 किया 12 आया, यहाँ पे 7 है। अभी मैं देखूंगी कि एडिशन और माइनस मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए 9 से, तो यहाँ पे हो रहा है तो हम दूसरा भी देख सकते हो, 7 × 4 कितना होगा 28 होगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगा कि यहाँ पे हमें चाहिए एडिशन 31 तो आप 28 × 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज आएगा, बहुत सारा नंबर आएगा तो आपको वो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जब बड़ा नंबर आए। यस मैम। मैंने एक बार CND के बारे में बताना, पिछले लेक्चर में था मुझे पता नहीं है। CND अच्छा, मतलब CND मतलब देखो जब अगर देखो ऑप्शन में ग्रेटर आ रहा है, ठीक है यहाँ पे x होगा यहाँ पे y होगा, सब वैल्यूज आपका अगर ग्रेटर आ रहा है ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। जैसे हमारा यहाँ पे दो वैल्यूज आता है, यहाँ पे दो वैल्यूज आता है, हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो अगर आपका जो भी वैल्यूज है वो सब क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। अगर सबका सब वैल्यूज क्या हो रहा है, स्मॉलर आ रहा है, मतलब ये स्मॉलर हो जाएगा, x स्मॉलर है इसका मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा सब स्मॉलर, अगर सब स्मॉलर हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, अगर यहाँ पे आ रहा है स्मॉलर भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, ठीक है स्मॉलर साइन भी आ रहा है और इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो आपका आंसर होगा x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपका ग्रेटर आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है ऑप्शन में, ये सब साइंस दिख रहा है आपको, तो आपका ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। ठीक है, और जब आपका ऑप्शन में आ रहा होगा ग्रेटर भी है स्मॉलर भी है, ठीक है ये जब आपको दोनों का दोनों एक साथ दिखेगा, जब आप कंपेयर करोगे दोनों का दोनों साइन, तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि ग्रेटर भी है स्मॉलर भी है तो एक वैल्यू बता नहीं सकते, ग्रेटर होगा तो हम ग्रेटर बताएंगे, स्मॉलर होगा तो स्मॉलर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज आ रहा है, ग्रेटर भी आ रहा है स्मॉलर भी आ रहा है, तब हमारा ऑप्शन होगा x इज इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टाब्लिश्ड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपको मार्क करना है कब, जब ग्रेटर भी आए ऑप्शन में और स्मॉलर भी आए, तब आपको करना है x is equals to y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड या रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन या तो CND, लेकिन ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, इसी को मार्क करना है जब ये दोनों वैल्यूज आएगा, ग्रेटर भी आएगा स्मॉलर भी आएगा। मैम मेरे को y वाला इक्वेशन नहीं समझा, पूरा बताओ ना एक बार फिर से, y ये वाला y जी मैम, ये पूरा समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैम मैम ये आपने जो बड़ा नंबर रहेगा वो फैक्टर करके बताया ना, वो मेरे को समझा नहीं, एक बार रिपीट करो ना। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी बड़ा नंबर आएगा, ठीक है यहाँ पे बड़ा नंबर आया 28 है, ठीक है इससे भी बड़ा नंबर आ सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बड़ा आ सकता है इससे, ठीक है आप क्या करोगे, तब 28 का देखोगे कि आपको कौन सा टेबल पता है, कौन से टेबल में 28 आता है, 14 की आता है, 7 की आता है, 2 की आता है, ठीक है तो आप मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 7 × 4, ठीक है 7 × 4 किया तो 28 आ रहा है, ठीक है तो मैंने यहाँ पे 7 × 4 लिखो या तो 28 लिखो, दोनों का मतलब सेम है ना, क्योंकि 7 × 4 तो 28 होता है, लेकिन ये जो 3 है उसको भी तो नहीं भूलना है, यहाँ पे जो 3 है तो यहाँ पे 3 भी तो लिखोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके एक वैल्यू लेते हैं, उसका दो फैक्टर्स निकालते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर रहे, बस 28 × 3 नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, उनका फैक्टर्स ही लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 × 4 × 3 है। ठीक है आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए वो देखोगे, यहाँ पे देखो एडिशन चाहिए, एडिशन चाहिए, एडिशन कितना चाहिए 19 चाहिए, मतलब दोनों का एडिशन होना चाहिए और वो कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए, तो हमें ना देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ऐसा कौन सा वैल्यू है इन तीनों में से,
मल्टीप्लीकेशन करके आपको देखना पड़ेगा, या तो आप देखोगे 7 × 4 होगा, ये तो बड़ा हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो हमें 7 × 4 नहीं चाहिए। 7 × 3 ले लो, 7 × 3 ये हो जाएगा 21, क्या बचेगा 4 बचेगा, तो हमें एडिशन तो 19 चाहिए, ये तो बड़ा वैल्यू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 × 3 ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 12, क्या बचा है 7 बचा है, तो 12 और 7 है दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यही वैल्यू आएगा, और दोनों का एडिशन देखो 19 आ रहा है, तो वो आपको करके देखना पड़ेगा, समझा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आपको वो करना ही पड़ेगा जब बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा तब आपको वो समझ जाएगा, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू को देखोगे, या तो 2, 3 से मल्टी डिवाइड कर दोगे वो वैल्यू को, आपको 2-3 वैल्यूज मिल जाएगा, तब तो 2-3 वैल्यूज लिखोगे, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है वो भी लिख दोगे, और आपको मल्टीप्लीकेशन करके पेयर्स बनाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दो पेयर्स है जहाँ पे दोनों का एडिशन 19 हो, या तो कोई और वैल्यू होगा जहाँ पे एडिशन कभी कभी माइनस हो सकता है, तो वो आपको करके देखना पड़ेगा, समझा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 12 और 7 दोनों का एडिशन 19 हो रहा है, तो हमारा आंसर 12 और 7 ही होना चाहिए दो फैक्टर्स, अगर 12 7 है तो और कोई वैल्यू आएगा नहीं, 12 7 ही आएगा, और कोई वैल्यू आएगा तो दूसरा एडिशन अलग हो सकता है, माइनस करेंगे तो अलग हो सकता है, ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा करके। x square plus 16x plus 63 equals to 0, y square plus 13y plus 42 equals to 0. ये हुआ है क्या, देख लो एक बार, शायद हुआ है, यस मैम हुआ है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ये देख लो एक बार, 2x square plus 3x minus 20 equals to 0, 2y square plus 15y plus 28 equals to 0, ये देखो y, नो मैम, चलो करो फिर, सीएनडी मैम, सीएनडी है, यस सीएनडी मैम, सीएनडी सही है, सीएनडी, वेरी गुड, वेरी गुड उपासना सही है, वेरी गुड कोमल, और किसका आया, जल्दी जल्दी आंसर कैसे निकाल, सीएनडी सीएनडी सीएनडी, वेरी गुड भूमि सही है, मैम इसका कोई ट्रिक वगैरह है क्या, इतनी जल्दी आंसर मिल जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अरे धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा, सीएनडी सही है, ट्रिक नहीं है, ट्रिक होता तो मैं बता देती ना आपको, ट्रिक नहीं है, ठीक है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सीएनडी सही है, वेरी गुड, मैं नोट नहीं कर रही हूँ ना, डायरेक्ट फैक्टर निकाल दे रही हूँ इसीलिए, अच्छा, फिर जब आप सॉल्व कर रही हैं तो फिर मैं नोट कर रही हूँ, फिर नोट कर रही हूँ, अच्छा, ठीक है, वेरी गुड साइली, वेरी गुड अंशल, वेरी गुड डिंपल, सीएनडी मैम, वेरी गुड अंशिका,
सी एंड डी सही है। वेरी गुड विकास, वेरी गुड चंद्रशेखर, सही है, वेरी गुड। ट्वेंटी इंटू टू कितना होगा? फोर्टी होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन चाहिए 40, लेकिन माइनस करोगे तो आंसर 3 होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5 40 होता है, 8 माइनस 5 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बताओ? माइनस प्लस, माइनस प्लस होगा, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 2.5। 28 यहाँ पे देखो 28 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो फिर से? 7। अभी देखोगे आप, करके देखोगे कि एडिशन 15 कब आएगा। देखो छोटा छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 8, और 7 मल्टीप्लाई फिर ऐड करके देखो क्या 15 हो रहा है, ठीक है। ये वाला भी इजी, टफ नहीं था ये वाला, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे जल्दी आ जाएगा आंसर। ये जो 2 है आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3.5, डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे। माइनस 4 माइनस 4 सेम है, माइनस 4 और माइनस 3.5 में जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, तो माइनस 3.5 बड़ा हो गया। प्लस 2.5 माइनस 4 में प्लस 2.5 बड़ा हो गया, तो जैसे ही ये दो साइन आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैम हाँ बोलो। ऐसे तो लगाया था तो ऐसे ही सी एंड डी आया, लेकिन अगर इसका फैक्टर 2 से डिवाइड नहीं कर रहे थे तो भी सी एंड डी आ रहा था। हाँ मैम, अभी मैंने फिर से इसीलिए फिर से मैंने किया तो भी सी एन डी आ रहा है, अगर मैं 2 से डिवाइड नहीं कर रहा तो भी नहीं। 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया करो, नहीं हमेशा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो दोनों से डिवाइड होना, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए शायद आपका सेम आ रहा होगा। हाँ, तो चारों में 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड होता, यहाँ से 2 से होता, तो आपका आंसर नहीं आता सही। ओके मैम, किसी को डाउट है इसमें? हेलो मैम, 7 × 4 × 2 ऐसा करते तो इजी हो जाता है ना, मतलब? हाँ इजी हो जाता है, हमें फैक्टर्स ढूंढना बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए वो करना है। अगर आप 28 × 2 करोगे तो भी आएगा, इतना बड़ा वैल्यू नहीं है ना, तो आप करोगे तो भी आ जाएगा। उसमें भी 56 होगा ना, तो 8 × 7 होता है 56, यहाँ पे 28 × 2 करोगे 56, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7, 8 × 7 वैसे भी आएगा, लेकिन बड़ा और बड़ा नंबर होगा तो कभी कभी नहीं समझ में आता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसका फैक्टर्स यहाँ पे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा। और किसी को डाउट है? हाँ मैम बोलो। एक स्क्वायर रूट का सम बताइए क्या? स्क्वायर रूट का सम? हाँ क्या बोल रहे हो? स्क्वायर रूट वाला इक्वेशन आप अभी किया था ना, आप ट्राई करो एक बार, वो अभी किया था ना, मैं और भी 2-3 क्वेश्चंस है तो उसके बाद आप ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मुझे पूछो, ठीक है? पहले खुद से ट्राई किया करो। चलेगा, ठीक है, चलेगा। मैं आज खत्म हो जाएगा ये? हाँ आज खत्म हो जाएगा। बैंक में आएगा ना मैम इसका क्वेश्चन? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। हाँ 5 मार्क्स के लिए आता ही है, कंपलसरी आता ही है, कभी कभी शिफ्ट वाइज भी होता है, शिफ्ट में कभी कभी आता नहीं, जिसका जैसा शिफ्ट होगा वैसे आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
पी माइनस अंडर रूट 2744, ये अंडर क्यूब रूट है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, क्यू प्लस अंडर रूट 196 इक्वल्स टू जीरो। मैंने 2 प्लस है 196 रूट में क्यू क्यू पी और यहाँ पे क्यू है, ठीक है, या तो एक्स और वाई में लिख सकते हैं। इक्वल टू वाई है मैम, इक्वल्स टू वाई है, ठीक है। नो नो, एक मिनट एक मिनट मैम, एक मिनट एक मिनट, ग्रेटर देन वाई टू वाई ग्रेटर देन है, ठीक, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है, वो टू है, ये क्यू प्लस अंडर रूट 196 इक्वल्स टू जीरो, ये क्यू है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, ग्रेटर देन वाई है, ठीक, ग्रेटर देन, यस। और मैम वो स्क्वायर का प्लस माइनस भूल गई थी मैं, नहीं प्लस माइनस तो यहाँ पे नहीं आएगा, रूट है ना, अच्छा हाँ रूट है तो पॉजिटिव, रूट है तो प्लस में आएगा, अगर माइनस बाहर साइन है तो माइनस आएगा, नहीं तो प्लस नहीं आएगा। मींस पी ग्रेटर देन क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब पता है तो आप जल्दी निकालोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे पी माइनस है ना, ठीक है, पी माइनस अंडर रूट 2744 है, माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा, मतलब पी इक्वल्स टू अंडर रूट अंडर क्यूब रूट 2744, तो 2744 किसका क्यूब है, 14 का है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू प्लस में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे क्या है q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 196 होगा, 196 किसका स्क्वायर है, किसका है, 14 का, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता तो हमारा वैल्यू आता प्लस में, बाहर माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस 14 आएगा, प्लस 14 माइनस 14 कौन सा बड़ा होगा, पी बड़ा होगा, पी इज ग्रेटर देन टू, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, किसी को डाउट है, ओनली रूट का प्लस में आंसर आता है, हाँ प्लस में ही आता है, अगर बाहर देखो यहाँ पे बाहर था इसलिए हमने बाहर लिखा है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर प्लस में होता, और स्क्वायर का प्लस माइनस, स्क्वायर का प्लस माइनस, अगर स्क्वायर लिखा होगा तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2744 किसका क्यूब है, 14 का है, तो यहाँ पे अंडर क्यूब रूट है तो पी का वैल्यू डायरेक्टली 14 आएगा, क्यू इक्वल्स क्यू प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस अंडर रूट 196 होगा, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो यहाँ पे 14 आएगा लेकिन माइनस 14 आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो प्लस 14 और माइनस 14 में प्लस बड़ा होगा, अंडर रूट 2 होता है, मैम वो प्लस माइनस में भी आंसर लिखते हैं, वो किसमें क्या करेंगे अपने, प्लस क्या बोल रहा हूँ, प्लस, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा या तो कोई भी वैल्यू होगा और आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तब आपका जो वैल्यू आएगा वो प्लस और माइनस में आएगा, कंपलसरी आपको प्लस माइनस ही लेना है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब होता और यहाँ पे कोई वैल्यू दिया होता तो आपका वो प्लस में आएगा, ठीक है, ये लिख लो एक बार, अंडर रूट 2 होता तो अंडर रूट 2 ही रहता, और कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल्स टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू जीरो,
x is greater than y. x greater than y, ठीक है. और किसी का आंसर आ रहा है? x greater than y. x greater than y. x greater than y. ठीक है, सही है. वेरी गुड टिंपल, सही है. वेरी गुड साइली. वेरी गुड कोमल. मैम x इज ग्रेटर देन y. वेरी गुड भूमि. वेरी गुड दीपाली. वेरी गुड नीता, सही है. वेरी गुड पूनम. वेरी गुड जेरिन. वेरी गुड प्रियंका. वेरी गुड आंचल. x is greater than y. वेरी गुड दिनल. वेरी गुड श्वेता. वेरी गुड प्रगति. वेरी गुड रोहित. वेरी गुड चंद्रशेखर, सही है. ये सिंपल था, ठीक है. ये तो देख के पता चल रहा है 11 के टेबल में ही आएगा, तो क्या बचेगा? 6 ही बचेगा. दोनों का एडिशन चाहिए 17. 11 प्लस 6 हो जाएगा 66. 11 प्लस 6 हो जाएगा 17. माइनस प्लस का क्या होगा? प्लस प्लस हो जाएगा. यहाँ पे है 15, तो यहाँ पे 5 और 3 आएगा. दोनों का एडिशन 8 हो रहा है. माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस प्लस. प्लस 11 प्लस 5, 11 बड़ा है. 3 से भी 11 बड़ा है. 6 और 5 में 6 बड़ा है. 6 और 3 में 6 बड़ा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन y. सही है. दूसरा वाला मेरा एक क्वेश्चन लीजिए ना, कल मैं सॉल्व कर रहा था, समझ में नहीं आया मुझे. अभी लिखना है? बोलो मैम. 6x² माइनस 23√3x रूट 3x. 3x अंडर रूट 3 है. यस मैम. और बाहर रूट में x है या बाहर है? जी बिल्कुल, आपने सही लिखा है, बिल्कुल एकदम. प्लस 60 प्लस 6060. यस मैम. इक्वल टू 0 और y 2y² प्लस 3√3y माइनस 15 माइनस 15 इक्वल टू 0. मैम यही क्वेश्चन था. चलो ट्रक सब ट्राई करो. यहाँ पे रूट एक्स नहीं होगा. रूट एक्स मुझे लग रहा है ये बाहर होना चाहिए. एक्स बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए. अंडर रूट 3 होगा और एक्स सेपरेट दिया होगा. सेकंड इक्वेशन का वाई बाहर है कि अंदर है? वाई तो बाहर, यहाँ पे तो वाई बाहर है, यहाँ पे एक्स बाहर होना चाहिए. रॉन्ग लग रहा है मुझे, बाहर ही होगा एक्स. मैम अंदर रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा क्या? नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि ले 360 और 30 है. 360 हाँ मैम, एक्स बाहर है. सॉरी एक्स बाहर ही होगा. Mm-hmm.
मैम स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा ना? नहीं यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे फैक्टर्स निकालना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब रूट थ्री वैसे रूट तो रूट होगा, तब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब रूट हटेगा, ठीक है। और वैसे भी x तो यहाँ पे बाहर है, ये जो वैल्यू है इसका आपको लेना पड़ेगा। मैम ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में? ऐसा एक्चुअली क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं एग्जाम में, ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। वैसे मुझे नहीं लगता आएगा। सॉल्व कैसे करना है मतलब? देखो 23 वाला नहीं समझ में आया। चलो मैं बता, रूट है 60 का क्या क्या हो सकता है बताओ? 15 4 हो सकता है, मैम ये हो सकता है ना, 12 5 भी हो सकता है, ठीक है मैम वो डायरेक्ट वाला। और या तो यहाँ पे 5 मैम 60 का डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके बताइए ना। लेना ही पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे रूट है, वैसा नहीं करने वहाँ पे वैसा होगा ही नहीं। यहाँ पे लेना ही पड़ेगा कंपल्सरी क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 × 6 360 हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स लेना ही पड़ेगा तब ही हम सॉल्व कर पाएंगे। क्यों देखो यहाँ पे हमें रूट थ्री चाहिए, ठीक है रूट थ्री चाहिए, और दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 23 रूट एक्स होना चाहिए, सॉरी रूट थ्री होना चाहिए, 23 रूट थ्री। तो यहाँ पे रूट थ्री और रूट थ्री तो दो बार आएगा, मतलब ये जो थ्री है वैसे भी हट जाएगा क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो थ्री था वो हटा दिया है। अभी यहाँ पे क्या बचा है? 5 4 6। अभी हम ये देखेंगे ऐसा दो फैक्टर जिनका एडिशन 23 होना चाहिए, ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ क्या होगा दोनों का एडिशन 23 इन तीनों में से, बताओ क्या होगा? मैम वो एक नंबर गायब करके आपने कहाँ लिखा? अरे यहाँ पे लिखा गायब नहीं लिखा है, मैंने उसको छोड़ा नहीं है लिखा है, ठीक है। पहले बताओ दोनों का एडिशन, यहाँ पे ऐसा फैक्टर्स लो जिसका एडिशन 23 होना चाहिए, रूट थ्री जाने दो, 23 होना चाहिए, क्या होगा बताओ? ध्यान से करो, 5 × 4 ना मैम? 5 × 4 नहीं 5 × 4 क्यों होगा? दोनों का एडिशन 23, ऐसा दो फैक्टर्स कौन सा आएगा? हो गया दोनों का एडिशन हो गया 23। अभी 15 × 8 बताओ कितना होगा? 120 हो जाएगा। मैम 15 और 8 लेने के लिए हमको 6 को भी 3 × 2 लिखना पड़ेगा ना? चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे 6 × 5 कितना होगा? 30 × 2 6 × 5 अच्छा 30 × 2 नहीं है, 4 है। हाँ ज्यादा हो रहा है, हाँ 120, ठीक है। यहाँ पे भी 120 हो रहा है, यहाँ पे भी 120 हो रहा है, आया हमारा दो वैल्यूज। तो हमें क्या चाहिए? 15 √3 और 8 √3 मिल गया दो वैल्यूज। मैम ये नहीं समझा, नहीं समझा मुझे भी, पता नहीं समझा पता है तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया मुझे ना, लाइट चला गया, समझाओ। नहीं नहीं जाएगा लाइट, नहीं जाएगा लाइट। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जो वैल्यू है ना इसका फैक्टर्स तो लिखना ही पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा, मतलब 4 से 5 वैल्यूज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था देखो, 5 4 और 6 था, यहाँ पे 3 भी था, ठीक है लिख दिया मैंने सब वैल्यूज, 3 5 4 6, ठीक है। ये जो 60 था इसका क्या लिखा? 15 5 3 और 4, ये जो 6 था एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जो रूट में वैल्यू दिया है वो जो वैल्यू है अंदर जो वैल्यू है वो सेपरेटली निकालोगे। यहाँ पे अंदर क्या वैल्यू है? 3 है ना, तो यहाँ पे देखो 3 है, तो आपको अगर 3 नहीं था तो 3 कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेपरेटली, तो उसे साइड में रख दो, ये जो 3 है उसे साइड में रख दो, ये निकाल दो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो साइड में रखा है, तो जैसे मैंने बोला था रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे तो क्या आता है? एक्स आता है। अगर हमें उल्टा जाना है
उल्टा जाना है, थ्री से हमें रूट थ्री में जाना है, तो क्या करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे, थ्री आ जाएगा। ठीक है, थ्री का सबको समझा क्या किया है, बोलो। दो बार रूट रूट हुआ तो थ्री हो गया, रूट का मल्टीप्लाई किया तो थ्री हो गया। ये जो दो बार रूट थ्री है ना, ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से लाए थे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वन की ही बात चल रही है, क्वेश्चन टू को हाथ भी नहीं लगा, ये वाला मैंने टच भी नहीं किया, ये वाला पे तो एक ही बार रूट थ्री है ना, तो यहाँ पे दो बार एक ही, क्योंकि देखो आप ऐड करोगे ना, यहाँ पे देखो ये दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 15 प्लस 8 कितना होगा 23, और रूट थ्री ये रूट थ्री एक ही बार लिखोगे तो आंसर होगा 23 रूट। इसीलिए दोनों टाइम लिखना ही पड़ेगा तभी हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। निकाला वो फैक्ट, कौन से फैक्टर में से निकाला आपने? ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसी में से निकाला है। यहाँ पे थ्री था ना, यहाँ पे थ्री था, ठीक है थ्री था, वो यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया, क्योंकि दो बार हमें रूट थ्री चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री है इसीलिए। अच्छा खुद से लिखा ना मैम दो बार रूट थ्री? हाँ खुद से ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री निकाल दिया है मैंने, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, सेपरेटली लिखा है, सेपरेटली ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें रूट थ्री चाहिए इसीलिए। अच्छा मैम यहाँ पे थ्री लिखा इसीलिए दो बार रूट थ्री लिखेंगे तभी थ्री आएगा, इससे दो बार तभी थ्री आएगा, इसीलिए थ्री को सेपरेटली लिख दो। जो अंदर वैल्यू है ना रूट में, कोई भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसमें से बाहर निकाल दो। अगर यहाँ पे रूट फाइव भी होता ना तो आप क्या करते, यहाँ पे फाइव है, फाइव को बाहर निकाल देते, बाकी सब वैल्यूज लिख देते, क्योंकि रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सेपरेटली लिखा है, और ये जो बाकी बचा है वो तो आप कर सकते हो नॉर्मली जैसे हम करते, तो यहाँ पे ये तो कर सकते हो जैसे हमें नॉर्मली करते, जो हमारा एडिशन यहाँ पे 23 होना चाहिए, तो ये सब का एडिशन करोगे 23, थ्री बस हटा दोगे साइड में रख लिख दोगे, क्योंकि वैसे भी वो रूट थ्री दोनों में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा है उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे और आप देखोगे कि जिसका एडिशन क्या होना चाहिए 23 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आया 15 और 8 आया, जैसे हम हमेशा करते हैं वही आया यहाँ पे 15 और 8, और यहाँ पे दोनों में बस रूट थ्री लिख दो, क्योंकि यहाँ पे एडिशन चाहिए, एडिशन हो या माइनस हो दोनों में आपको लिखना ही है रूट वाला वैल्यू, दोनों में लिखना। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी होगा तो भी आपको लिखना। बताओ ना मेरा 15 और 8 कहाँ से आया? 15 और 8 कहाँ से आया? देखो यहाँ पे 5, 4, 6 है ना, तो 5, 4, 6 का आपको ढूंढना, 15, 4 होगा ना 15। मैं मुझे 120 वैल्यू है वो उसके 60 के लिए थोड़ी ना लेने का है। देखो यहाँ पे जो 6 मैम, मैम 6 को भी लिख दीजिए 3 × 2, तो फिर 5 × ऐसा कर सकते हो ना, 5 × 3 एंड 4 × 2, तो डायरेक्ट मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा 4 होगा ना फैक्टर, 4 होगा कहाँ पे, 4 होगा बोलो, 4 × 60 होगा ना। अच्छा अच्छा मैं बता रही हूँ, देखो देखो 60 × 6 360 हो जाएगा। ठीक है 360 हो गया, अभी टोटल वैल्यू लेते हैं, टोटल वैल्यू से करते हैं, 360 हो गया, इसमें से हमें 3 निकालना है, तो 3 साइड में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 3 साइड में करना है क्योंकि यहाँ पे रूट 3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, अगर 3 निकाल दोगे 120 बचेगा, तो 120 का ऐसा दो वैल्यू जिनका एडिशन 23 होना चाहिए अभी कर सकते हो। मैम मतलब 3x का रूट 3 निकालने के लिए तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से नहीं करेंगे डिवाइड, 6 से क्यों करेंगे, 6 नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 3 चाहिए, 6 चाहिए नहीं, वो नहीं करना है, वो तो बाद में करना है, वो नहीं ऐसे ही बताओ मैम ये समझ में आ जाएगा, 1360 का 3 से डिवाइड किया तो 120 का फिर फैक्टर करेंगे ऐसा। मैम वही 360 वाला ही एक्सप्लेन करो, लाइक वही बताओ मेथड। हाँ मैम ये वाला बहुत कंफ्यूजन कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है यहाँ पे डिवाइड कर दिया ना 3 से, सेपरेटली निकाल दिया, यहाँ पे 120 बचा है, 120 का फैक्टर निकालोगे जिनका एडिशन 23 होना चाहिए, 15 8 आएगा। ठीक है 15 8 आ गया, यहाँ पे आया 15, यहाँ पे आया 8, और यहाँ पे रूट थ्री लिख दो। ठीक है यहाँ पे आया दोनों वैल्यू, माइनस प्लस का डायरेक्ट लिख दो, क्या हो जाएगा प्लस प्लस। मैम ये सेपरेट वाला एक बार फैक्टर निकाल के दिखाओ ना। ठीक है ये हो जाएगा प्लस,
और प्लस, ठीक है। अभी सेकंड वाला आप पहले ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। 15 into 2 30। मैम सेकंड वाले का है 5√3 और 2√3। 5√3 and 2√3, ठीक है। बाकी सब बताओ, चलो सब ट्राई करो। रूट थ्री अंदर देखो, यहाँ पे रूट थ्री है तो तीन साइड में निकाल दो और दो फैक्टर्स निकाल दो। बताओ सब बताओ क्या होगा। 5√3 and 3√3, बाकी सब बताओ और किसका आ रहा है आंसर। सबको करना है 3 and 2√3 मैम। 2 आ रहा है, 5 और 2। यस मैम, 2 रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 आ रहा है, देखो सब सबका आ रहा है ये, देख लो एक बार ट्राई करके। 3 साइड में निकाल दो, जो बच्चा है उसका करना है दो वैल्यू, जिनका एडिशन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। -5√3 और 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होता है बोलो। माइनस और प्लस, माइनस प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये सेकेंड वाला समझा सबको क्या किया है। 15 into 2 30 है, ठीक है। 3 यहाँ पे, 3 से 3 बाहर साइड में निकाल दोगे क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लीकेशन, 10 का 2 ऐसा फैक्टर जिनको अगर माइनस कर देंगे आंसर 3 होना चाहिए। क्या होगा, 5 और 2 होगा ना, तो वही 5 और 2 यहाँ पे लिखा है और रूट 3 जो साइड में निकाला था दो बार लिख दिया, ठीक है। अब भी कंपेयर करेंगे। 15 रूट 3 देखो सब में है, आप डायरेक्टली बाहर के वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो। 15 और 5 में क्या बड़ा है बताओ, 3। 15 बड़ा है तो पहला x बड़ा हो गया। 15 और 2 में क्या बड़ा है, दोनों प्लस प्लस है, 15। यहाँ पे 15 आएगा। 8 और 5 में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 8 और 2 में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो x इज ग्रेटर देन y आएगा आंसर। जो भी होगा वो सेपरेटली लिख दो और बाकी डिवाइड करके जो बचा हुआ वैल्यू होगा उनको यहाँ पे हमें एडिशन, जो भी एडिशन पूछा है माइनस पूछा है वो देखना है। मैम मेरा सेकेंड का फैक्टर आया, फर्स्ट का नहीं आ रहा है, तो क्या फिर से बताओगे सेपरेट वाला। सेकेंड फर्स्ट का नहीं आया, अच्छा देखो 60 into 6 कितना होगा, 360 होगा ना। नहीं वैसे नहीं, सेपरेट सेपरेट ही, अलग अलग सेपरेट ही चाहिए आपको। हाँ। साथ में नहीं चाहिए, नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या था 15 into 4 और यहाँ पे 3 था ना, ठीक है यही था। 5 into 4 कितना होगा, 20। 20 into 3 कितना हो जाएगा, 60। और ये जो 6 है यहाँ पे लिख दिया। अभी 3 तो हटाना है, ठीक है 3 हटा दिया हमने। अभी ये जो बचा है उनका देखना है, ऐसा दो फैक्टर जिनका एडिशन 23 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 5 into 4 कितना होगा, 20 होगा, 6 होगा, 23 चाहिए मतलब हमें कम वैल्यू चाहिए। 6 into 4 होगा 24 और 5 बड़ा वैल्यू हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये जो 6 है ना उसका कर दो दो फैक्टर्स, दो वैल्यू कर दो। यहाँ पे 3 into 2 हो सकता है, 3 into 2 लिख दो। 5 into 3 कितना होगा, 15। 4 into 2 कितना होगा, 8। एडिशन कर दो, 15 और 8 एडिशन हो रहा है 23, तो आया 15 और 8। समझा अभी 15 और 8 कैसे आया। और ये जो रूट 3 साइड में निकाला था वो क्या करना है, √3 √3 लिख देना। मैम हाँ बोलो, 15√3 और 8√3 को डिवाइड बाई 6 नहीं करना है। नहीं नहीं करना है, यहाँ पे मत करो। क्यों मैम? मैम एग्जाम एग्जाम में आता है क्या? नहीं नहीं एग्जाम में एक्चुअली ये मैंने इसीलिए पहले ही बोला था, एग्जाम में आपको ये जरूरत नहीं है करने का, एग्जाम में नहीं। मैम अच्छा हाँ बोलो 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 मैम। देखिए जो हम लोग 360 को डिवाइड बाई 3 किए उसके बाद 120 आया, उसका 2 फैक्टर निकाल लेना मैम। तो जो उसका 2 फैक्टर आया है उसको 6 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो ही मैंने बोला नहीं करना है। okay, और वैसे okay. भी आपको ये ज्यादा सीरियस लेने का जरूरत नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैम, ऐसे एग्जाम में नहीं भी तो मैम स्किप कर देते हैं। हाँ प्रीलिम्स में तो कभी नहीं आएगा और मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन मैम जितना टाइप आपने कवर किया उसमें से ही आएगा ना टाइप्स। हाँ उसी में से आएगा, उसी में से आएगा। मैम हाँ बोलो, 30 का फैक्टर 5 और 2 कैसे आ रहा है?
30 का डिवाइड किया है, 10 का फैक्टर है वो। हाँ 10 का है ना, 3 डिवाइड किया, मैंने बोला 3 सेपरेट लिखना है रूट 3 के लिए, तो 10 का निकालेंगे ना जो बचा। हाँ मैम बस राइट है। हाँ बोलो, वो 3 का डबल रूट 3 कैसे आया? रूट 3 इनटू रूट 3, 3 कैसे आया ऐसे बोल रहे हो आप? ऐसे मतलब कैसे बताओ तुम्हें, देखो रूट के अंदर ना कोई भी वैल्यू होगा ना, उसी सेम वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रूट है ना वो हट जाता है और जो वैल्यू है वो ही बच जाता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू से। वैसे अगर रूट टू इंटू रूट टू होगा तो आंसर क्या होगा? टू होगा। तो मैंने बताया था रूट एक्स होगा आपका इंटू रूट एक्स होगा, तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों रूट है। जब रूट से रूट को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रूट हट जाता है और ये जो वैल्यू है वो सिंगल ही आएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही करना है वो, क्योंकि रूट जो है रूट को रूट से जब भी कंपेयर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐड करते हैं तो रूट एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाएगा। मतलब रिवर्स आया ना, ऐसे बोल रही हूँ मैं। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं रिवर्स आया, रिवर्स आया। ये जो थ्री है उसका हमने रूट थ्री और रूट थ्री लिखा है, रूट थ्री रूट थ्री का थ्री नहीं लिखा, थ्री का हमने रूट थ्री, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था हमें रूट थ्री रूट थ्री। वही बोल रही हूँ मैं कि दोनों को रूट रूट को इंटू करते थे थ्री होता है ना, तो थ्री था इसलिए हम लोग ने ऐसा किया। मैम हाँ बोलो मैम, जैसे अभी फर्स्ट इक्वेशन में रूट थ्री है ना और सेकेंड इक्वेशन में रूट फोर या फाइव होता, तो जब हम लोग कंपैरिजन करते तो बड़ा या छोटा किसे देखते मैम? इसीलिए मैंने बोला आपको जरूरत ही नहीं है करने का, एक्चुअली इसमें देखा जाए ना तो बहुत सारा पॉइंट्स आएगा ऐसा। हाँ बोलो, इसमें लिखना क्या है, कौन सा पार्ट लिखना है इसमें? कौन सा पार्ट लिखना है? हाँ मतलब इतना आप, सब लिखा है उसमें से कौन? अच्छा, आपको अगर समझा है क्वेश्चन तो आप खुद से लिखो तो आपको समझ आएगा ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सेपरेटली आप ट्राई करो। ठीक है, आप ट्राई करो। यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारा बताया, एक साथ भी बताया है, सेपरेट सेपरेट भी बताया है, ये जो है इसका मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, नहीं मैम लेकिन इक्वेशन सॉल्व हुआ तो उसमें जो मेथड्स यूज किए वो सिर्फ बताइए ना, वो कौन सा लिखूं? मतलब सम के नीचे इक्वेशन सॉल्व किया है सो। अच्छा आपको सेपरेटली चाहिए डायरेक्ट चाहिए? डायरेक्ट सिंगल, तो सिंगल हाँ ओके, ये वाला लिखो, वाला। ये वाला, हाँ ये वाला लिखो ओके, ये यहाँ तक ही लिखो बस हो गया, और ये लिखो और सेकेंड के लिए ये वाला लिखो और लास्ट में हमारा आंसर ये आ जाएगा x is greater than y। और उसको डिवाइड करने के लिए नहीं 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 करना, नहीं करना, ठीक मत करो। हमारा क्वेश्चंस कितना हुआ है बताओ जरा, क्वाड्रेटिक का टोटल क्वेश्चंस कितना हुआ है मैम? इसको लेकर 21 हो गया, 21 हुआ है। ठीक है हाँ मैम 21। और कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा ही क्वेश्चंस बाकी है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक होगा। ठीक है, वो कौन सा टॉपिक ले रहे हो अपने लेक्चर में? कौन सा टॉपिक बचा, कौन सा टॉपिक है इवनिंग में? परसेंटेज वगैरह हुआ है? परसेंटेज इवनिंग में नहीं, हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं मैम। और कौन सा चैप्टर है आपने इसमें मैम? कब लोगे फ्रेश रेशियो? रेशियो रेशियो तो अभी बहुत बार हो गया था, परसेंटेज हुआ है ना इवनिंग। परसेंटेज
परसेंटेज नहीं हुआ है तो ले लेंगे, परसेंटेज ले लेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ही क्वेश्चन से वो हो जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर परसेंटेज ले लेंगे, अगर परसेंटेज नहीं हुआ है तो परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है? चलेगा मैम। वो आज ग्रुप में सम भेजा था ना आपने, वो सॉल्व नहीं हुआ। ग्रुप में भेजा था मैंने सम, हाँ वो ग्रुप में एक सम आया था ना आज, मैंने नहीं सेंड किया था। मैम सेकंड इक्वेशन का कैसे सॉल्व किया एक बार बताऊंगी थोड़ा थोड़ा। सेकंड वाला ये देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड, 15 इनटू 2 30 है ना, और मैंने क्या बोला था रूट थ्री अगर चाहिए तो रूट जो थ्री है रूट थ्री यहाँ पे लिखना है तो थ्री को साइड में निकाल दो, मतलब थ्री से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना, तो 10 का समझा। चलो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर परसेंटेज बाकी है तो परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय मैम, बाय मैम, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।